मनदीप भैया। दोस्तों, आज मैं आपको आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया घरेलू प्लान के बारे में बात करने वाला हूँ। ये प्लान सिर्फ एक ही दिन में आपके पूरे शरीर के सिस्टम को हर तरह की बीमारी से क्लीन कर देगा, पूरे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ा देगा। ये डिटॉक्स प्लान पूरी तरह से आयुर्वेदिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है दोस्तों, और ये पूरी तरह से सेफ है। और अगर इस तरीके से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं तो ना सिर्फ आप बॉडी से अपने हार्मफुल जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाल सकते हैं, बल्कि अपने खुद के लिए बढ़िया हेल्थ और बहुत ही हेल्थी रास्ता और सेफ रास्ता अपनाकर आने वाले समय में बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और जानते हैं बहुत ही आसान इस घरेलू इफेक्टिव उपाय के बारे में, जो सिर्फ एक दिन में आप कंप्लीट कोर्स इसका कर सकते हैं पूरे शरीर को साफ करने का। तो दोस्तों, हमारी शरीर में बॉडी में होने वाले हर एक प्रोसेस की एक क्रिया होती है, जिसके लास्ट नतीजे में हमारे शरीर में टॉक्सिन बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ अच्छी चीजें बनती हैं जिससे हमारा शरीर चलता है। कुछ अच्छी चीजों का हमारे शरीर में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ टॉक्सिन्स का, गंदगी का हमारे शरीर से बाहर निकलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वैसे तो हमारी बॉडी सेल्फ सफिशिएंट होती है दोस्तों, जो हमारे शरीर में गंदगी टॉक्सिन्स जमा होती है वो लिवर से, किडनी से, स्किन से, हमारी आंतों से फ्लैश आउट हो जाती है सारी गंदगी। पर कभी कभार हमारी गलत आदतों की वजह से ये पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस है हमारा शरीर पूरा नहीं कर पाता है, और बॉडी के अंदर धीरे धीरे जो हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं, जो नुकसान करने वाली गंदगी है, वो जमा होती रहती है। तो जब ये एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है तो आपके शरीर की सेहत के ऊपर बहुत बड़ा इसका जो असर खराब पड़ता है। तो इसलिए बॉडी को रेगुलर इंटरवल्स पर डिटॉक्स करते रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसी डिटॉक्स प्लान के बारे में आपके लिए बात करने जा रहा हूं, जो एक दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी पूरी लाइफस्टाइल को ये चेंज कर देगा, और आपका जो पूरा हेल्थ स्टेटस है लगभग 7 से 15 दिन के अंदर बहुत ही बढ़िया निखार आ जाएगा, और अपनी आप पूरी बॉडी को साफ कर सकते हैं। तो इस पूरे जो प्रोसेस की जो शुरुआत है दोस्तों, सुबह उठते ही सनराइज के साथ ही आपकी शुरू हो जाती है। तो डिटॉक्स करने वाले दिन दोस्तों, आपने 5 बजे हर हाल में उठ ही जाना होता है। 5 बजे से आपने लेट नहीं होना है। सनराइज से, टाइम से जब हम पहले उठते हैं सूरज उगने से, तो हमारी बॉडी का जो एक नेचुरल रिदम होता है, जैसे घड़ी के 24 दोस्तों घंटे होते हैं, वैसे हमारे शरीर के भी नेचुरल रिदम होता है, टाइम होता है, तो वो बैलेंस पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। जब आप 5 बजे के करीब उठ जाते हैं, आप सारा दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं, और सुबह उठ के आपने जो सबसे पहला काम करना है वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग कोई बड़ी भयंकर आपको टर्मिनोलॉजी लग रही होगी, पर ये ऐसा नहीं है। बहुत ही आसान सी आयुर्वेदिक और एंशियंट प्रैक्टिस है, जो हजारों सालों में आयुर्वेदिक ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है। इससे हमारे शरीर के अंदर हम मुंह से ही जो गंदगी को बाहर निकालना पहले शुरू करते हैं दोस्तों। तो टॉक्सिन सबसे पहले मुंह से आपके जाते हैं अंदर, तो वहां से ही हम बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी टंग की हेल्थ भी इंप्रूव करनी पड़ती है। तो इसलिए ऑयल पुलिंग करने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल चाहिए, या आपके घर में कोई भी खाने वाला नारियल तेल अलग होता है, लगाने वाला अलग होता है, खाने वाला नारियल तेल है आप मुंह में डाल लें, तो उसको अच्छी तरह लगभग आप 1 चम्मच मुंह के अंदर डालें, तो जैसे आप कुरला करते हैं, तो आप 10 से 15 मिनट तक अपने मुंह के अंदर अच्छी तरह घुमा लें। जैसे आपको दांतों की कोई भी ट्रीटमेंट करने पर डॉक्टर आपको माउथ वॉश दे देते हैं, तो आप इसको पूरी तरह अच्छी 10 से 15 मिनट तक तेल को घुमाएं अपने मुंह के अंदर और फिर इसको थूक दें। ऑयल पुलिंग करने के बाद जो एक दूसरा आपने काम करना है वो है अपनी टंग को क्लीन करना। हम जो भी कुछ खाते पीते हैं उसके अंदर कुछ माइक्रो पार्टिकल्स है वो टंग पर हमारे जम जाते हैं, तो ये माइक्रो पार्टिकल धीरे धीरे आपकी टंग के ऊपर नीचे वाले हिस्सों में, दांतों के कुछ हिस्सों में, वहां पे गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे एक
गंदगी वाली लेयर जमा हो जाती है आपकी टंग, पीले रंग की, सफेद रंग की गंदगी वाली लेयर जमा हो जाती है, जो मेन कारण है आपके शरीर के अंदर लगातार टॉक्सिन जमा होते जाते हैं, क्योंकि वहां से टॉक्सिन निकलकर आपके पेट के अंदर जाते रहते हैं। तो आपने टंग को स्क्रैप करना है, टंग को साफ करना है, इसके लिए आप स्टील का जो टंग स्क्रैपर होता है, जब कॉपर का मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। तो आपको प्लास्टिक का टंग स्क्रैपर वो यूज नहीं करना है, तो उससे माइक्रोप्लास्टिक चलाया जाता है। तो टंग को स्क्रैप करने के बाद आपकी ओरल कैविटी बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। उसके बाद आप एक गिलास गुनगुने पानी के साथ लगभग एक नींबू जो नॉर्मल है उसको आप मिक्स कर लीजिए, गुनगुने पानी से उसका जूस मिक्स कर लीजिए, और लगभग आराम से बैठकर लगभग इसको 2 से 4 मिनट तक धीरे धीरे आराम से पिए। तो सुबह सुबह जब आप नींबू पानी इस क्रिया के आधे घंटे बाद जब आप करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी हाइड्रेट होने लग जाएगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव होने लग जाएगा, आपकी बॉडी का जो नॉर्मल रिदम काम नहीं कर रहा था वो आपका ठीक होने लग जाएगा, और उसके बाद आप आधा घंटा रिलैक्स कीजिए इसको पीने के बाद। इस दौरान तो आप घर में जो नॉर्मल काम है वो कर सकते हैं, जो आप पार्क में भी टहल सकते हैं, अपना आधा घंटे के दौरान ग्रीनरी देख सकते हैं, इससे आपका ब्रेन रिलैक्स होता है। घास पे चलने से जो हैप्पी हार्मोन है वो हमारे शरीर में रिलीज हो जाते हैं। तो रिलैक्सेशन के लिए आप योगा भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, और बहुत सारी जो ब्रेन को जो तंदुरुस्त रखने के लिए टेक्निक्स है, जैसे अनुलोम विलोम है, कपाल भाती है, ये भी आप 15 से 20 मिनट तक सुबह जरूर करें। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि सुबह उनके पास टाइम नहीं है, पर अगर ये 3 चीजें आप कर लेंगे, लगभग आपका 1 घंटा लगना है इन 3 चीजों को करने से, तो आप सारी उम्र बीमारियों से मुक्त रहेंगे। योगा के अंदर कपाल भाती कर ले, अनुलोम विलोम कर ले, तो इससे आपका ब्रेन की ट्यूनिंग होती है, जो आपका ब्रेन रिलैक्स होता है, एंजाइटी बीमारियों से मुक्त होता है। तो याद रखें दोस्तों, ब्रेकफास्ट में आप कुछ ऐसी चीजें ना लें जिनको आपने पकाना पड़े। सुबह उठते ही बिल्कुल नॉर्मल और वेजिटेरियन डाइट दें, और जो अनकुक्ड डाइट है वो आप जरूर लें। जैसे कि आप सुबह उठते अपनी जो डाइट है वो सेब से शुरू कीजिए, नाशपाती से शुरू कीजिए, पाइनएप्पल से शुरू कीजिए, तरबूज से शुरू कीजिए। तो वेजिटेरियन, रॉ वेजिटेरियन जो डाइट है उससे आप अपने जो दिन की सुबह की शुरुआत करें। तो जो भी आप फ्रूट खाते हैं उसके ऊपर काली मिर्च जो डालना ना भूलें, क्योंकि काली मिर्च दोस्तों एंटी इंफ्लेमेटरी होती है। तो फ्रूट के साथ जब काली मिर्च आपके अंदर जाएगी तो फ्रूट के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है वो तो आपके ऊपर काम करेंगे। काली मिर्च से जो आपकी बीपी, शुगर, अस्थमा, जोड़ों के दर्द, जो शुगर आपकी 200-500 तक चली जाती थी, बीपी आपका जो 200 तक पहुंच जाता था, कोलेस्ट्रॉल आपका 300-400 तक चला जाता था, बहुत ही जल्दी इंप्रूव होने लग जाएगा दोस्तों। काली मिर्च आप उसके ऊपर छिड़कर जरूर खाएं। तो इसके बाद आप जरूर जो चौथा पांचवा जो आपने जो दो काम अलग से करने हैं वो है आपकी चाय के ऊपर डिपेंड दोस्तों। चाय हमेशा आप सुबह के समय कोशिश करें आप जिंजर टी पाएं, अदरक आप जिंजर टी पिए, अदरक की चाय ही पीजिए, जहां आप सौंफ की चाय ही पीजिए, इन दोनों की आप चाय पीना शुरू कर दें। एक दिन सौंफ की चाय पी लिए, एक दिन अदरक की चाय पी लिए, तो ये दो चीजें आप ऐड कर लेंगे तो इसका आपका डाइजेशन बहुत बड़ा इंप्रूव होगा, क्योंकि अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आपका पेट सारे शरीर के टॉक्सिन को बाहर कर देगा, गंदगी साफ होगी आपकी। और इसके बाद दोस्तों नंबर आता है, ये तो ब्रेकफास्ट की बात कर ली, चाय की बात कर ली, लंच में, लंच में दोस्तों आप हमेशा कोशिश करें कि आप खिचड़ी या ब्राउन राइस है या मिक्स वेजिटेबल है या दही है, ऐसे आप जरूर ऐड करें अपनी जो लंच के दौरान, और चटनी जरूर खाएं, क्योंकि चटनी से क्या होता है, ये एक तरह की मेडिसिन होती है। जैसे आप पुदीना की चटनी अपनी डाइट के अंदर ऐड कर लें तो इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, शरीर के अंदर ठंडक पड़ती है, गर्मी बाहर निकलती है। तो इससे तो 2-3 चीजें आप कर लें, दही पिए आप लंच के टाइम, लस्सी पी सकते हैं, पुदीना की चटनी जरूर ऐड करें, अदरक की चटनी ऐड करें, इससे आपके जोड़ और दिल स्वस्थ रहता है और आपकी बॉडी भी डिटॉक्स होती है। तो ये हैवी भी नहीं है, डाइजेशन इंप्रूव होगी। मिक्स वेजिटेबल, मिक्स खिचड़ी, ऐसे आप जरूर खाएं, मिक्स धनिया का, और लगभग आप लंच के बाद कोशिश करें आधा एक घंटा आप जरूर आराम करें। और इसके बाद अपना जो टी है वही आप कोशिश करें, या तो आप अदरक की चाय पीजिए, पानी में अकेली अदरक डालकर थोड़ा बहुत दूध ऐड कर सकते हैं, या आप सौंफ की चाय पीजिए अकेली की, चीनी से परहेज रखें,
आधा घंटा 20 मिनट तक अपने आप को रिलैक्सेशन दे, क्योंकि हमारा शरीर मशीन नहीं है दोस्तों, इसको दोबारा से एनर्जी आने के अंदर टाइम लगता है, तो इससे आप बहुत ही बढ़िया आराम। तो नेक्स्ट बात करें हम डिनर की, डिनर हमेशा 7 बजे से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का जो रिदम है दोस्तों, रिदम के हिसाब से जो आयुर्वेदा लिटरेचर बताता है कि 7 बजे के टाइम से पहले पहले डिनर कर लेना चाहिए, जो हमारे शरीर की घड़ी के हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर आप इससे बाद में जाते हैं तो आपको बहुत सारी मोटापा, डायबिटीज, अस्थमा, बहुत सारी बीमारियों के लिए आप अपने आप को घेर लेते हैं। तो अगर 7 बजे से पहले आप अपनी डाइट का, डिनर का जो सेवन करते हैं, तो इससे आपकी पूरी बॉडी उस खाने को प्रोसेस करने के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है, गंदगी जमा नहीं होने देती, और आपका सबसे बढ़िया बात, सोने से पहले ही आपका पेट हल्का हो जाता है, जिससे आपकी पूरी बॉडी अपने शरीर को, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, उस मोड पे ले जाती है और सुबह तक आपका शरीर पूरा तंदुरुस्त हो जाता है दोस्तों। तो होप है आपको सारी जानकारी अच्छी होगी, आपको कुछ समझ भी आया होगा, इसमें से सारे नहीं तो 2-4 टिप्स भी आप करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अपनी बॉडी रिदम को दोस्तों ठीक करें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी के वालों खराब है, थायराइड या डायबिटीज हो गया है, कैसे आप परमानेंट इलाज कर सकते हैं, उम्र भर दवा आपको इन बीमारियों की खाने की जरूरत नहीं है, सभी के ऊपर साइंटिफिक वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जरूर जाके देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल फिर वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।